एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से, जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्मल अखाड़ा के संत निवास भवन का किया गया उद्घाटन। तत्पश्चात कुंभ मेला प्रयागराज में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन हेतु अक्षय वट खोले जाने की घोषणा। अनावरण सरस्वती कुंभ, सरस्वती प्रतिमा का अनावरण, स्वच्छाग्रही एवं स्वच्छता कर्मियों का सम्मान एवं किट वितरण। कुंभ मेला के कार्यों का लोकार्पण कर संस्कृत विभाग के कुंभ मेले पर लघु फिल्म एवं कुंभ काफी टेबल बुक का विमोचन। व बैंक ऑफ बड़ौदा शाखाओं एटीएम मीडिया सेंटर व खोया पाया केंद्र का भी उद्घाटन। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा त्रिवेणी पुष्प पुनरुद्धार, संस्कृत ग्राम, कला ग्राम एवं उत्तर मध्य सांस्कृत केंद्र, टेंट सिटी भ्रमण एवं जगत गुरु हंस देवाचार्य जी महाराज ने शिविर का भ्रमण एवं उद्घाटन किया। इसी के साथ अगली खबर भी प्रयागराज से। प्रयागराज कुंभ मेले में ब्रह्म कुमारीज द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेले का किया गया आयोजन। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश राडा ने दीप जलाकर किया लोकार्पण। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके सद्भावना से आज यूनेस्को ने कुंभ को पूरी दुनिया में एक, मैं कहूँगा एक बहुत बड़े आयोजन के रूप में माना है, शामिल किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से जिस प्रकार कुंभ की तैयारी है, जिस प्रकार वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आज भी वो प्रयागराज आए थे और लगातार सारे विश्व पर, मैं समझता हूँ कि 12 से 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और प्रयागराज में अंदर की अवस्थापना की सुविधाओं पर जिस प्रकार 4300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यहाँ की सड़कों को चौड़ा करने के लिए, यहाँ के चौराहों का सौंदर्य करने के लिए, यहाँ एयरपोर्ट की स्थापना के लिए तमाम चीज़ें 15,000 करोड़ रुपए आसपास के तमाम अस्थायी निर्माण पर और आसपास की सुविधाओं पर खर्च किए गए हैं। मैं कह सकता हूँ अद्भुत एक तैयारी माननीय योगी जी के निर्देश पर है, योगी जी के निर्देशन में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ एक आध्यात्मिक मेले का शुभारम्भ यहाँ मेला प्रांगण में है और मैं वहाँ अभी उसके उद्घाटन में आया था। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक आध्यात्मिक संदेश है पूरी दुनिया में, भारत की एक पहचान का कराने का और आध्यात्मिक संदेश देने का एक बहुत बड़ा तंत्र है कुंभ। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। करोड़ों लोग गंगा में नहाएंगे, गंगा की सफाई को लेकर आए दिन पक्ष विपक्ष आप पे आरोप लगाते हैं, मुझे नहीं लगता है गंदा साफ है। मैं केवल इतना कहूँगा कि जिस प्रकार की तैयारी और तमाम चीज़ों को लेकर के जो गंदे नाले कहीं ना कहीं जल की निर्मलता को खराब करते थे, उन तमाम को टैप किया गया है। 40 से ज़्यादा नालों को टैप किया गया है, ATP लगाए गए हैं और बहुत सारी सुविधाएं करी हैं, सिविल लाइन की व्यवस्था की है और इन तमाम चीज़ों पर फोकस इसलिए किया गया है कि निर्मल और एकदम स्वच्छ जल यहाँ उपलब्ध रहे। और मैं आज आया तो मैंने देखा बहुत निर्मल धारा यहाँ बह रही है और जहाँ दो पवित्र नदियों का संगम होता है प्रयागराज बोला जाता है, जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती ऐसी संगम है तो ये प्रयागराज है। इसके लिए भी मैं योगी जी को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ प्रयागराज इसका नाम किया है। इसके लिए भी मैं तमाम उत्तर प्रदेश की ओर से, पूरे देश की और दुनिया के उन तमाम लोगों जो आस्था के केंद्र के प्रति नमन करते हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक लास्ट सवाल अभी पर इतना कहूँगा कि जो आम जन को चीज़ें परेशान करती हों, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करती हों, कहीं ना कहीं ट्रैफिक या अन्य प्रशासनिक चीज़ों को बाईपास करके जो चीज़ें की जाती हैं वो निश्चित रूप से उनका लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, जो किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये उन तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ संकेत है कि जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा करती हो जिससे लगता है कि चाहे जाम की समस्या हो, चाहे विद्यालयों में स्कूलों के बच्चों के जाने की समस्या जिनसे पैदा होती हो, या पार्क में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की जन सुविधाएं के लिए जो चीज़ें बनाई गई हों वो प्रभावित होती हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सजग है। बहुत बहुत धन्यवाद।